जिला महिला चिकित्सालय में NQAS कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे को बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि चिकित्सालय की सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने में अधिकारी एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही है। इससे मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का काफी इजाफा होगा, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि महिला जिला अस्पताल के कर्मयोगी अपनी निष्ठा द्वारा गोरखपुर के निवासियों की सेवा करते रहेंगे और स्वास्थ्य के दिशा में गोरखपुर को एक नया आयाम गढ़ने में अपना भरपूर योगदान देंगे और जो भी जनपद की पीड़ित मानवता चिकित्सालय में आएगी वह निश्चित रूप से सेवाओं से अभिभूत होकर के बाहर जाएगी और जनपद को स्वस्थ भारत बनाने में अपना आहुति प्रदान करेगी। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर JSP सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नंद कुमार, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर नीना त्रिपाठी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर जसवंत मल, BB सिंह, डॉक्टर कमलेश अमरनाथ जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, प्रतिनिधि के रूप में हम सदा है कि बड़ा ही स्वर्णिम क्षण है हमारे गोरखपुर के लिए और महिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर को कायाकल्प जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अपने काफ़ी कठोर मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर किसी चिकित्सालय की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे गोरखपुर चिकित्सालय का जिला महिला चिकित्सालय जो है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस में भी है और कायाकल्प का भी उसको पुरस्कार मिला, तो इससे एक परम आनंद की अनुभूति हो रही है। और यहाँ के कर्मयोगियों को सम्मानित करके मैं स्वयं सम्मानित हो गया हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारे ये कर्मयोगी अपनी इसी निष्ठा और अपनी इसी सेवा गोरखपुर के निवासियों की सेवा करते रहेंगे और स्वास्थ्य के दिशा में गोरखपुर को एक नया आयाम गढ़ने में अपना भरपूर योगदान देंगे। साथ ही साथ जो भी गोरखपुर की पीड़ित मानवता हमारे इस चिकित्सालयों में आएगी वो निश्चित रूप से इनकी सेवाओं से अभिभूत होकर के बाहर जाएगी और हमारी गोरखपुर को स्वस्थ भारत बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे।